हेलो गाइस, वेलकम टू के एन पी एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी 100 डे सीरीज में लेसन नंबर 14। इंडियन पॉलिटी का लेसन नंबर 14 है, जो है द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। तो हम डिस्कस करेंगे सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस डिस्कस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जिसे हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन बोलते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल पावर डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, अगर सेंटर इंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, इनके फाइनेंशियल पावर कैसे डिवाइड होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी तो चलते हैं, देखो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फेडरल इन नेचर है, ठीक है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर मैं फेडरल भी ना बोलूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा क्वासी फेडरल इन नेचर है, ठीक है। अब जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें एक मज़ेदार चीज़ बता दूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आ जाती है वन लाइनर में क्वेश्चन आता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इस चीज़ को ध्यान रखो। मैं आपको बता दूं इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट क्या होता है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो देखो हमारे स्टेट का, अगर आपको पता हो, आपने आर्टिकल नंबर 2-3 देखे हो ध्यान से, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे स्टेट का जो भी एरिया है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, हमारे स्टेट का नाम चेंज हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्टेट तो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं लेकिन पूरी इंडिया एज ए होल एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये चीज़ डिफाइन करती है। अगर मैं इसके आगे की बात करूँ तो देखो स्टेट को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए, हालांकि दोनों के पास अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं कुछ, ठीक है, दोनों के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली या कुछ इस टाइप का मतलब विधानसभा होगी। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात ना करूं तो दोनों की कुछ, हमने 3 लिस्ट पढ़ी हैं जिसमें 3 लिस्ट आती हैं, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, और फिर तीसरी आती है कनकरंट लिस्ट, ठीक है। तो इन तीनों लिस्ट को भी हम डिस्कस कर लेंगे कि इन तीनों लिस्ट में क्या क्या है। अगर इन तीनों लिस्ट की बात करूँ तो सेंट्रल लिस्ट सेंटर के पास पावर है यानी कि पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर है यानी कि उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली, कनकरंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होती है, हालांकि सेंट्रल की पावर ज्यादा हो जाती है, एक्सेप्शन कुछ हैं जो प्रेसिडेंट के एक्सेप्शन, उन्हें हम डिस्कस में डिटेल करेंगे। अगर मैं इसके बाद बात करूँ जो सेंट्रल स्टेट जो है यूनिटरी कैसे है, तो हमारी जो है इंटीग्रेटेड, इस चीज को ध्यान कर लेना, इंटीग्रेटेड प्लस इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड प्लस इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इंटीग्रेटेड प्लस इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो किसी पे हमारी जुडिशियरी डिपेंडेंट नहीं है कि हमारा क्या खर्चा होने वाला है क्या, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशन से दिया हुआ है, आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर इसके बाद की बात करें, देखो सेंटर भी अपने आप में सुपर पावर है, स्टेट भी सुपर पावर है अपने अपने फील्ड में, ठीक है, लेकिन कहीं अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो उसे ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अगर मैं आपको एक सीधा सीधा एग्जाम्पल दूँ तो आपके पिताजी भी सुपर पावर है, आपके बाबा जी भी सुपर पावर है, लेकिन उनकी पावर कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगी वो देखने वाली बात होती है, ठीक है। तो इस चीज में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अब हम बात करें सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, तो जैसा कि हमने बताया पहली 3 चीज में से डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन से। अगर मैं लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करूं आर्टिकल नंबर 245 से आर्टिकल नंबर 255 पार्ट 11 में, मैं आपको बता दूं लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पार्ट 11 में है, और ये जो फाइनेंशियल रिलेशन है ये पार्ट 12 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आर्टिकल 245 से 255 जो हमारी लेजिस्लेटिव रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो हमने 3 लिस्ट वाला आइडिया, ये अमेरिका से तो बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि वहां पे खाली 1 लिस्ट वाला सिस्टम होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं तो ये आइडिया हमने कैनेडा सिस्टम से जरूर लिया, क्योंकि कैनेडा सिस्टम में ही दो होती है, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है, तो वहां से ये चीज हमने उठाई है, ठीक है। अगर इसके बाद की हम बात करें तो फिर इन दीज आर देयर सम आर्टिकल्स डीलिंग आर्टिकल्स, इसमें हम देख लेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत करते हैं, जो इसके आर्टिकल्स हैं वो ये है कि आर्टिकल नंबर सबसे पहले आप देख लो, पार्लियामेंट और स्टेट की अपने टेरिटरी पे, इसमें दो चीज़ हैं, देखो दो चीज़ें इसमें, एक तो टेरिटोरियल चीज़ है मतलब टेरिटरी है, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट है लेजिस्लेटिव पावर में, यानी कि उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उसकी सीमा क्या होनी है, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट क्या होना है, ये लेजिस्लेटिव पावर डिफाइन करती है। अगर हम बात कर लें तो इसमें 4 चीज़ें हैं, दो चीज को 4 चीज में डिवाइड कर दिया इन्होंने, टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, सब्जेक्ट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, स्टेट फील्ड यानी पार्लियामेंट के स्टेट फील्ड में क्या औकात है,
और सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, वही सेम चीज आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। आप एक बात समझ लो, सेंटर में पार्लियामेंट पूरे इंडिया की टेरिटरी पे या इंडिया से ये जो भी इंडिया में जो भी नया एरिया इंक्लूड होता है, जैसे कि गोवा इंक्लूड हुआ था, तो ऐसी टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है, कोई भी नया लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकती है, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो सेम स्टेट अपनी टेरिटरी के लिए ले सकता है, स्टेट अपनी टेरिटरी के लिए, यानी कि जो पार्लियामेंट ऑफ होल इंडिया के लिए, स्टेट अपनी टेरिटरी के लिए, जैसे यूपी है तो वो खाली यूपी के लिए ले पाएगा, है ना। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो पार्लियामेंट के पास एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर होती है पार्लियामेंट के पास। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पार्लियामेंट है अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए ठीक है, कुछ भी लॉ बना सकती है और वो लॉ उनके लिए एप्लीकेबल हो सकता है विदेश में भी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, अगर मान लो इंडियन सिटीजन, जैसा कि हमने सिंगल सिटीजनशिप बना रखी है कि अगर तुम इंडिया में रहोगे तो तुम्हें सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन अगर मान लो कोई और बंदा उस दूसरी सिटीजनशिप को ले लेता है, दूसरी कहीं और की जगह की सिटीजनशिप ले लेता है, तो हमारी टेरिटरी से तो वो बाहर गया, तो यानी कि जो पार्लियामेंट है उसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट है वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन चारों के लिए, इनकी पीस प्रोग्रेस एंड गुड के लिए नए कानून, नए रेगुलेशंस बना सकती है, या जो रेगुलेशंस पार्लियामेंट पास करती है, ठीक है, उन रेगुलेशन को अमेंड कर सकती है या उनको रिपील यानी कि उनको हटा भी सकती है। इस चीज को ध्यान रख लेना। सेम समझ लिया, आपके बाबा हैं, आपके पिताजी ने बोला कि भाई इस घर में ये वाली दीवार बनेगी, है ना, बाबा ने बोल दिया नहीं ये दीवार नहीं बनेगी, या इस दीवार पे ये वाला प्लस्तर होगा, या इस दीवार को ऐसा घुमा दो, है ना, तो ये सारी चीजें घुमा दो, क्या दीवार भी घूमती होगी, चलो घूम जाती है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि अगर आपके प्रेसिडेंट आपके बाबाजी हैं, आपके पार्लियामेंट ने कुछ बोला है कि घर में ऐसा काम होगा, तो आपके बाबाजी उस काम को कैंसिल करा सकते हैं, है ना। सेम प्रेसिडेंट की पावर है, किस किस के लिए, अंडमान निकोबार के लिए, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, ठीक है, इन चार यूनियन टेरिटरीज हैं ये, इनके लिए पावर है कि प्रेसिडेंट कोई भी नया लॉ बना सकता है, किसी भी लॉ को रिपील कर सकता है, ये सारी पावर इसके पास है। सेम पावर गवर्नर के पास है स्टेट के लिए, अगर उसके स्टेट में शेड्यूल एरिया है तो वो पावर किसके पास चली गई, गवर्नर के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो गवर्नर ऑफ असम के लिए एक और स्पेशल पावर बनाई गई है, खाली गवर्नर ऑफ असम के लिए है, गवर्नर ऑफ असम के लिए ये पावर है। अगर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, जब इस पे बहुत थोड़ा सा हंगामा टाइप हुआ था, कि असम के लिए पावर है कि ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो इनके ट्राइबल एरियाज होते हैं उसमें किसी भी लॉ को ये या तो बोल सकते हैं निकलो यहां से, ठीक है, कोई लॉ पास नहीं करना मुझे, या उस लॉ में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकती है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये वाली जो चीज थी ये शेड्यूल एरिया वाली ये तो चीज थी फिफ्थ शेड्यूल के लिए, किसके लिए थी, ये तो फिफ्थ शेड्यूल के लिए, है ना। अगर मैं इसके नीचे जाऊं, फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक है, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे जाऊं तो ये जो गवर्नर ऑफ असम वाली, ये पावर है सिक्स्थ शेड्यूल के लिए, ठीक है, ये पावर जो है ये सिक्स्थ शेड्यूल के लिए। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ आपसे, नेक्स्ट बात पे चलूँ, ये हो गई असम के लिए। अगर लेकिन आपके पास मान लो ऑप्शन आ जाए मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके लिए किस किस की पावर है, तो इनके लिए जो अपील कर सकता है, रिपील कर सकता है किसी भी लॉ को, वो जो कर सकता है, वो कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। एक्सेप्शन समझ लो, सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि भैया प्रेसिडेंट जो है चार यूनियन टेरिटरीज, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है, इन चार के लिए कोई भी नया लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट के किसी लॉ को रिपील या अमेंड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि गवर्नर जो है किसी भी शेड्यूल एरिया के लिए, कोई भी नया लॉ बना सकते हैं, उसे अपील कर सकते हैं फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि असम का गवर्नर जो है वो अपने एरिया में, अपने ट्राइबल एरियाज में, जो प्रेसिडेंट है वो मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं,
मेघालय मिजोरम त्रिपुरा इसलिए अलग हैं क्योंकि इनमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि इनके ट्राइबल एरियाज की पावर कुछ अलग होती है, ठीक है, इसलिए इनको अलग कर दिया गया है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको टेरिटोरियल पावर समझ आ गई होगी। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बना सकती है, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ, एक्सेप्शन प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन दीव और दादरा एंड नगर हवेली के लिए अमेंड और रिपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर जो है वो इससे शेड्यूल एरिया के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर ऑफ असम और प्रेसिडेंट मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के लिए अलग है, ठीक है, ये सिक्स शेड्यूल में आते हैं। ये हो गई हमारी टेरिटोरियल पावर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की, सेंटर स्टेट रिलेशंस की वीडियो क्या होगी हमारी टेरिटोरियल पावर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए ना। अगर इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, ठीक है, कौन किस पे कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट है हमारी, लिस्ट वन, लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट और लिस्ट थर्ड कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें कौन किस लिस्ट में कौन सा लॉ बना सकता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी माताजी क्या लॉ बना सकते हैं, आपके पिताजी क्या लॉ बना सकते हैं, मतलब घर में एक क्षेत्र बटे हुए है ना कि सब्जी का इनको है ना, पैसे का मेरे से बात करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी बटी हुई है सेंट्रल स्टेट, इसे आप परिवार समझ लो देश को, ठीक है, उस आधार पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यूनियन लिस्ट नाम से पता पड़ता है कि भैया लिस्ट बना है, यूनियन लिस्ट है, पार्लियामेंट इस पर कोई भी लॉ बना सकते हैं। इस समय इसमें प्रेजेंट टाइम में 100 जो लिस्ट 100 नंबर्स हैं लिस्ट के, 100 सब्जेक्ट हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो पार्लियामेंट है स्पेशली वो जो सेंटर के लिए पूरे होल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज पे ज्यादा डिपेंड होती है। जैसे कि डिफेंस हो गया है ना, होल इंडिया की डिफेंस है ना, यानी कि अब उसके बाद एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है। अगर मान लो आपका कम्युनिकेशन हो गया यानी कि जियो के टावर कौन लगवाएगा, तो वो स्टेट सेंटर लगवाएगा आपके, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं देश के पर्पज से, वो करता है पार्लियामेंट। अगर मैं आ जाऊँ इसके बाद स्टेट पर्पज पे, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में स्टेट भी एक उसके अपने एरिया बटे हुए हैं। जैसे कि स्टेट का जो एरिया हो जाता है वो हेल्थ हो जाता है, ठीक है। स्टेट का एरिया एग्रीकल्चर हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट लोकल गवर्नमेंट ये सारे स्टेट के एरिया हो जाते हैं, स्टेट इन पे अपना लॉ बना लेती है। अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं तो इंटर स्टेट ट्रेड जो दिख रहा है आपको ये यहाँ पे इंटर स्टेट चला जा रहा है, पहले इंटर स्टेट ट्रेड हो गई कई बैंक है ना, इंटर स्टेट ट्रेड पे ये भी लॉ बना सकते हैं। कॉमर्स सेंस ऑडिट सब पे लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ एग्रीकल्चर प्रेजन लोकल गवर्नमेंट फिशरीज मार्केट थिएटर गैम्बलिंग पे लॉ बना सकती है। अब मुझे बता दो एजुकेशन पे कौन लॉ बनाएगा, स्टेट या सेंटर, एजुकेशन पे कौन लॉ बनाएगा इस चीज को बता दो, ठीक है। एजुकेशन पे कौन लॉ बनाएगा जल्दी बताओ, एजुकेशन पे लॉ, ये जब तक बताओ जब तक हम कंकरेंट लिस्ट पढ़ लेते हैं। तो ये ध्यान रखो कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया तो पार्लियामेंट जो है उसको मतलब लीड करेगा, पार्लियामेंट के लॉ की मानी जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन दुनिया में, एक्सेप्शन इसमें यह है कि अगर मान लो वो स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट की परमिशन से बनाया, प्रेसिडेंट ने असेंट दी हुई है, तो पार्लियामेंट अगर लॉ बनाएगा तो पार्लियामेंट का लॉ नहीं माना जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट के असेंट के बाद पार्लियामेंट फिर नया लॉ बना देता है उस पर कि भाई प्रेसिडेंट के असेंट मान्य नहीं होगी, तो फिर जो पार्लियामेंट वाला लॉ है वो माना जाएगा। समझे नहीं समझे बता दूं दोबारा से एक बार। मान लो स्टेट ने एक ए सब्जेक्ट, स्टेट ने भी ए सब्जेक्ट पर लॉ बनाया, स्टेट ने बनाया और पार्लियामेंट ने भी ए सब्जेक्ट पर लॉ बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इसमें ए सेम सब्जेक्ट है ना, अब इस पर चलेगी पार्लियामेंट की, ठीक है। लेकिन स्टेट ने मान लो यही लॉ जो है वो प्रेसिडेंट की असेंट लेके बना दिया, प्रेसिडेंट से मिलकर बना, ठीक है, तो अब स्टेट का लॉ चलेगा, पार्लियामेंट का लॉ नहीं चलेगा, अब स्टेट का लॉ चलेगा, ठीक है। अब लेकिन मान लो पार्लियामेंट की होगी बेइज्जती, उसने फिर दोबारा से एक नया लॉ बना दिया और जिसमें कह दिया कि ये बार मेरा वाला लॉ मान्य है, तो इस समय जो चलेगा पार्लियामेंट का लॉ चलेगा, ठीक है गाइस। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपसे एजुकेशन जो पूछ रहा था, मैं आपको बता दूं क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हो, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976 में 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में थे जो कि फिर उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में आ गए। कौन कौन से सब्जेक्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, बेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पेपर में आने वाला है पक्का, ठीक है। एजुकेशन, फॉरेस्ट,
बिल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, और उसके बाद जस्टिस है ना, बिट्स एंड मेजर्स है ना, तो ये सारी चीजें हैं ये जो आपके पेपर में आने वाली हैं। अगर इसके बाद की हम बात करें, कुछ होती है रेसिडोरी सब्जेक्ट, रेसिडोरी का सब्जेक्ट जो मतलब अब बच गए, कुछ ऐसी भी होते हैं ना जो दुनिया में बच गए, पता पड़े इसे मारने गए, इसे मारने गए, पता इसे मारने गए, क्या आदमी हछुपा था वो बच गया। अगर बचने वाली बात आ जाए तो जो इस पर लॉ बनाएगी, रेसिडोरी सब्जेक्ट पर जो लॉ बनाती है वो बनाती है आपकी पार्लियामेंट, ठीक है। अगर मैं रेसिडोरी सब्जेक्ट के बाद आपसे कुछ बात करूं तो ये लॉ जो है, ठीक है, अगर हाँ चलो बस इतना ही है ना, कुछ मैं नया देखा था कुछ मिले, तो रेसिडोरी सब्जेक्ट पे आपकी लॉ जो बनाएगी वो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। लेकिन एक और चीज बता दूं मैं, जो चलेगी वो पार्लियामेंट की चलेगी, ठीक है, तो इसके बाद मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है। अगर मैं इसके बाद आगे चलूं फिर आपसे, फ्रॉम द अबव स्कीम इट इज क्लियर दैट मैटर ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस एंड मैटर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन, सब हम डिस्कस कर चुके हैं किसके पास है ये पावर, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज देख लीजिएगा, कंट्री में देखो पावर तो बट गई, ठीक है, यानी कि पावर बटने का मतलब ये है कि अपने दोनों सुपर पावर हो गए, स्टेट भी सुपर पावर है, सेंटर भी सुपर पावर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मैं यूएस की बात करी, इन्होंने यूएस की ही बात कर ले हम, तो यूएस में जो रेसिडुअरी पावर है, जो बची हुई पावर है, ठीक है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में है फेडरल पावर, वो सारी स्टेट के पास छोड़ दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट, ध्यान रख लो इसे, रट लो, रेसिडुअरी पावर पे कौन लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पेपर में आपके में आ जाता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1935 एक्ट ने हमें तीन लिस्ट दी थी, 1935 एक्ट ने तीन लिस्ट दी थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। अगर इसके बाद की बात चल रही है, इंडिया ने कनेडियन प्रेसिडेंट फॉलो किया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद की बात कर लें यूनियन लिस्ट, और अगर स्टेट लिस्ट में कुछ घपला मतलब कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट आता है तो निश्चित रूप से जो पार्लियामेंट है यूनियन लिस्ट है वो प्रिवेल करेगी। अगर इसके बाद की मैं बात कर लूँ तो कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर सेंटर मतलब कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट की असेंट मिली है तो भी मैंने आपको बता दिया, फिर स्टेट की लॉ एक तरह से डिफीट कर जाएगी पार्लियामेंट की लॉ को, और उसके बाद जो चलेगी पार्लियामेंट दोबारा लॉ बना के उसे चेंज कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, अब यानी कि पार्लियामेंट की क्या क्या औकात है स्टेट के मामले में। भैया पार्लियामेंट की इतनी औकात है कि वो स्टेट को खत्म कर सकता है ऐसे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये दो चीज पे होती है, यानी कि पार्लियामेंट स्टेट के मामले में दो बात में लॉ बना सकती है। सबसे पहले कब बना सकती है, जब राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे 2/3 से, ठीक है, राज्यसभा 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से एक लॉ पास कर दे कि भाई इस वाले स्टेट के लिए आप इस सब्जेक्ट पे, मान लो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे एग्रीकल्चर पे आप एक लॉ बना दीजिएगा। अच्छा कुछ लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने वहां भी बोला था कि एग्रीकल्चर जो है वो आपके स्टेट में है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में, ठीक है। अब आप एक चीज मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको पता हो तो, जो सेंटर ने तीन लॉ बनाए थे, तीन जो फार्मर लॉ थे वो सेंटर ने क्यों बना दिए फिर, क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर का एक मतलब वायलेशन नहीं था, वो सेंट्रल लिस्ट में कैसे आ गए, ठीक है। तो इस चीज को आप बताइएगा कि कैसे क्यों आए, अगर फिर अगली वीडियो में मैं शॉर्ट वीडियो में सब बता दूंगा कि ये क्यों आए थे, ठीक है ना, फार्मर लॉ सेंट्रल लिस्ट में कैसे आए थे यूनियन लिस्ट में। हाँ तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट कब कब बना सकती है पावर, तो जो पार्लियामेंट है अगर वो जो पार्लियामेंट अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे और राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करे और उसके बाद बोल दे वो पार्लियामेंट को लोकसभा में भेज दे कि भैया आपको इस समय कोई लॉ बना लो इस स्टेट पे, तो वो एक लॉ बना लेगी। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो लॉ है ये रिजोल्यूशन जो है 1 साल फोर्स में रहेगा, इसे बढ़ा आप कितने भी टाइम सकते हो, इन्फिनिटी टाइम तक बढ़ा सकते हो, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाओगे, एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाओगे। यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, किसी पेपर में मुझे साल ध्यान नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये क्वेश्चन आ चुका है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आप किसी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी रिविजन क्वेश्चन पूछता ही नहीं है ना। इसके बाद अगर नेशनल इमरजेंसी की बात आए, अब पार्लियामेंट की बात है भाई, अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गई तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर आ जाती है कि वो जो स्टेट लिस्ट है उसके मैटर में कोई लॉ बना दे, अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, ठीक है। लेकिन वही लॉ, मान लो आज इमरजेंसी खत्म हो गई, आज कितनी तारीख है, कितनी तारीख है आज यार, 24 फरवरी शायद है ना, 24 फरवरी को इमरजेंसी खत्म हो गई, तो आज से 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद वो लॉ खुद से ही खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना, 6 महीने बाद। राज्यसभा में क्या है, 1 ईयर के लिए टाइम इन्फिनिटी, इसमें आपने इमरजेंसी का टाइम बना दी, टाइम 6 मंथ्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर
वो सबको पता ही है। ठीक है, अब बात करो स्टेट मेक्स ए रिक्वेस्ट। देखो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है याद करने की, आप कैसी भी चीज समझ लो, इसमें यह है कि जब दो और दो से ज्यादा, ये टू और मोर जो लिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपको। वहाँ एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देते हैं थ्री और मोर, है ना, थ्री और मोल या वन और मोल। वन और मोल भी दे दिया तो भी गलत होगा, कम से कम टू और मोल ही होने चाहिए। जब भी कोई स्टेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया हमसे ये ना हो पा रहा, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है तुम लॉ बना दो इस पे, तो वो लॉ बना देते हैं, है ना, स्टेट की। ये स्पेशली मैं आपको बता दूं कब कब होता है ये, जब स्टेट जिसकी पावर सेंटर में, जिस पार्टी की पावर सेंटर में है उसी पार्टी के हो ज्यादातर केसेस, जब वो लॉ बनाने के लिए बोलते हैं ज्यादातर केसेस में। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब क्या होता है, अगर दोनों स्टेट अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास कर दें कि हाँ भाई हमारे इस वाले सब्जेक्ट पे तुम लॉ बना दो, तो उसके बाद पार्लियामेंट एम्पावर हो जाता है कि वो उस लॉ को बना सके। ठीक है, यानी कि उस लेजिस्लेचर पे उस लॉ को बना सके। ठीक है, अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो फिर जो लेजिस्लेचर की पावर है वो इस रिस्पेक्ट पे खत्म हो जाती है ना। और अगर मतलब एक सरेंडर कर दिया उसने स्टेट से, बोला मुझसे ना होगा भाई तू ही बना ले इस लॉ को। ठीक है, अगर इसके बाद की हम बात करें तो पार्लियामेंट में पावर पहुंची गई। इसके बाद अगर हम बात करें टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट की। इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर कोई अप्लाई करना है तो भी स्टेट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई लॉ बना दे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे बेदुबादी यूनियन आपने पढ़ा होगा, बेदुबादी केस एक हुआ था, है ना, बेदुबादी एक केस हुआ था, है ना। अब भाई देखो टेरिटोरियल एक्सटेंशन किसी और स्टेट का था, ये दिया किसको, बांग्लादेश को। ठीक है, जब बांग्लादेश को दिया तो आप तो ये भी बोल सकते हो कि जी स्टेट तो चाह ही नहीं रहा था कि मैं दे दूं अपनी ये संपत्ति, लेकिन इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपको इंप्लीमेंट करना था, यानी कि पार्लियामेंट आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट कन्वेंशन के लिए कोई भी नया लॉ बना सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल, एक तो हो गई इमरजेंसी, एक तो हो गई हमने इमरजेंसी के टाइम पढ़ लिया था कि कोई भी जो है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर रूल बना सकती है। और हम पढ़ लें प्रेसिडेंट रूल में, प्रेसिडेंट रूल में तो भैया होता ही यही है, पार्लियामेंट जो है जब भी जैसे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो किसी भी मतलब स्टेट पे रिलेशन पे वो बना सकती है। ठीक है, अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो है, मान लो जैसे आज प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट रूल जिस दिन खत्म हो गया उस दिन भी ये लॉ खत्म हो जाएगा, है ना। इमरजेंसी में क्या पढ़ा था हमने, 6 मंथ्स, इमरजेंसी में ही तो पढ़ा था 6 मंथ्स। प्रेसिडेंट रूल में ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट रूल में यह है कि जिस दिन स्टेट लेजिस्लेचर उसकी दोबारा फंक्शन में आएगी, जब वो उसे रिपील करेगी, अल्टर करेगी या रीनेक्ट जो भी करेगी, वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कर लेगी। समझे नहीं समझे दोनों में अंतर। इमरजेंसी में 6 मंथ के बाद खुद ही खत्म है जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो गई, और प्रेसिडेंट रूल में स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है सारा कुछ। मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पेपर में क्वेश्चन आते हैं निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब हम बात करेंगे सेंटर की क्या पावर है। ये जो सारी पावर पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी पार्लियामेंट की पावर, ठीक है, पार्लियामेंट की पावर, हम खाली पढ़ेंगे सेंटर की क्या पावर है। तो देखो सेंटर की पावर का मतलब है कि सेंटर में हम प्रेसिडेंट को भी सेंटर मानते हैं, प्रेसिडेंट को भी हम सेंटर मानते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट सेंटर का हिस्सा है कि नहीं बताओ, है ना, क्योंकि अच्छा मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर के पास पावर यह है कि देखो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, निश्चित रूप से स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटर अपॉइंट करता है गवर्नर को, यानी कि जो एक गवर्नर है कहीं ना कहीं सेंटर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही, है ना। तो गवर्नर जो है वो सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल जो है वो पास स्टेट लेजिस्लेचर जो उन्हें पास करती है वो प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है, और प्रेसिडेंट के पास उनके लिए वीटो होती है कि भाई प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें परमिशन दे दे, चाहे तो परमिशन ना दे। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसी वीटो में प्रेसिडेंट उसे चाहे तो दोबारा लौटा सकता है, जैसा कि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हुआ है, अगर आपको भी नीट वाला बिल ध्यान आ रहा हो तो, है ना। इसके बाद अगर स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर हैं, अगर वो प्रीवियस सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से लिए गए हैं, तो ऐसे मैटर है स्टेट लिस्ट में जो कि प्रीवियस सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से ही आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जब तक आप प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट ना लोगे तब तक आप लॉ ना अप्लाई कर पाओगे, लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली में ना ले पाओगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट उनसे बोल सकता है, स्टेट को आदेश दे सकता है, बोल सकता है कि भाई ये मनी बिल जो है इसे भी रोक के रखो, फाइनेंशियल बिल जो है इसे भी रोक के रखो। कब, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही हो, इस चीज को ध्यान कर रख लेना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही हो। सेंटर की तीन पावर हो गई,
पहली पावर तो ये कि भैया जो प्रेसिडेंट है वो हो सकता है बिल को पास करे ना करे, गवर्नर जो है उस बिल को उसके लिए ही रख ले, ठीक है। दूसरी पावर क्या होगी कि स्टेट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट जरूर चाहिए होती है, जिनके लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट जरूर चाहिए होती है मेरे हिसाब से। तीसरा ये कि प्रेसिडेंट जो है उनसे बोल सकता है कि भाई आप अपने मनी बिल को और अपने फाइनेंशियल बिल को रोक के रखो या मेरे पास भेजो, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सरकार या कमीशन ने ये बोला था, अच्छा भैया आप सोच रहे हैं सेंटर की तो बहुत सारी पावर हो गई, इतनी सारी पावर सेंटर पे, इतने तो स्टेट में भी झंझट डाल दिया इसने तो स्टेट लिस्ट में। तो सरकार या कमीशन ने एक बात बोली थी कि भाई हमको इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी इन सबको बचाने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, जिससे सारी चीजें सामने ना आए, ठीक है। अगर हमारा मान लो टू टायर पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो जरूरी है ये निश्चित रूप से होगा कि कुछ ना कुछ झंझट हो जाए, लड़ाई हो जाए और बस कट्टा चल जाए, खेल खेल में कट्टा चला और दो मरे, ये वाली न्यूज आपके सामने आ जाए। मेरे हिसाब से हम लेजिस्लेटिव पावर सारी डिस्कस कर चुके हैं, पहली टेरिटोरियल, पावर डिस्कस करी थी, और इसके बाद हमने सब्जेक्टिव पावर डिस्कस करी थी, इसके बाद हमने पार्लियामेंट की पावर डिस्कस करी थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे, और सेंटर की पावर डिस्कस करी थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत हुई होगी, है ना, समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो है आर्टिकल 256 से 263 वो वाले कितने थे, 245 से 255, ठीक है। ये वाले कितने हैं, 256 से 263, 256 से 263 कौन से पार्ट में, 11 पार्ट में। फाइनेंशियल कौन से में, 12 पार्ट में। ये जहां एडमिनिस्ट्रेटिव दिख रहा है कहीं कहीं एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, यानी एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो जो आपके मान लो सांसद है, आपका सांसद है, ठीक है, वो दोनों काम करता है, वो लेजिस्लेचर भी है। मान लो सांसद मंत्री बन गया, ठीक है, तो वो दोनों काम करेगा, वो आपका लेजिस्लेचर में भी काम करेगा, और वो आपका एग्जीक्यूटिव में भी काम करेगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो सेंटर जो है वो होल इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, ऐसे मैटर जिन पर पार्लियामेंट की पावर है, या ऐसे भी मैटर जो स्टेट में दिए हुए हैं, ऐसे मैटर जिनको ट्रिटी एग्रीमेंट कुछ भी आपको अप्लाई करवाना है, ठीक है। अगर ऐसी कोई लॉ बनता है जिसमें कि पार्लियामेंट प्रिवेल करती है, तो पार्लियामेंट की ही जो लॉ होगी वो लास्ट में मानी जाएगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर कुछ इसमें ऑब्लिगेशन पढ़ लेते हैं तो देखो, सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशन ने दो रिस्ट्रिक्शन लगाए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू सेंटर फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट जो है वो दो क्षेत्र में जो है उसे हम रोक सकते हैं। एक तो ये कि मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, तो ये स्टेट का काम है, कि भाई वो उसे अप्लाई करे अपने एरिया में, स्टेट का काम है उसे अपने एरिया में अप्लाई करे अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं तो, ठीक है। और ये ही स्टेट का काम है कि वो सेंटर के किसी भी काम में बाधा ना पहुंचाए, उसके सारे काम को करे, ठीक है। मेरे हिसाब से इस दोनों चीजें आपके एक्सेप्शन में हैं, समझ आ गई होंगी आपको। अगर मैं बोथ केसेस की बात कर लूँ तो बोथ केसेस में जो सेंटर है वो कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, बोल सकता है कि भाई अब इस तरह ना हो पाएगा, ठीक है, इसे तुम भेजो, ये स्टेट जो फेल हो गया है और ये आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग फेल हो गया, और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग इसमें प्रेसिडेंट आप रूल लगा दो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब सेंटर स्टेट को क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है वो समझ लीजिएगा। सेंटर जो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई आप कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बनाए रखो, ठीक है। आप जो है रेलवे, मेरी रेलवे की प्रोटेक्शन करो, क्योंकि रेलवे सेंट्रल इशू होता है। आप अपनी मदर टंग को इंक्रीज करो, बच्चों को मदर टंग में पढ़ाओ, प्राइमरी एजुकेशन उसमें दो, और एनपीई पॉलिसी में ये लागू भी हो गया गाइस। एनपीई पॉलिसी 2020 में, न्यू एजुकेशन एनईपी सॉरी एनईपी है ये, एनईपी 2020 में ये लागू भी हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद सेंटर ही उन्हें एक
डायरेक्ट कर सकता है कि आपको जो भी स्पेसिफाइड स्कीम है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब के लिए आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ आई होंगी, सेंटर की पावर समझ आई होगी कि क्या औकात है, स्टेट की भी पावर आपको समझ आ गई होगी, लेकिन सेंटर की कहीं ना कहीं पावर बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। मेरे हिसाब से यहाँ तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है अभी तक जो आपको मुझे लगे कि बार बार समझाना पड़े। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप बता जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि अब देखो दोनों मिलके कैसे काम करेंगे वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ तो दोनों की जो लेजिस्लेटिव और स्टेट पावर है ये रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो अब इसके पास पहुँच गई तो इसी के पास पहुँच गई, बाकी इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। यानी कि कोई भी सेंटर जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर जो है, सॉरी, ये पावर रिजिड है, ठीक है। तो सेंटर जो अपनी कोई भी लेजिस्लेटिव पावर पे लॉ नहीं बना सकता, स्टेट जो है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए नहीं बोल सकता, अकेला स्टेट। अगर देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, एक सिंगल स्टेट तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर टू और मोर स्टेट हो तो टू और मोर स्टेट हो तो वो बोल सकते हैं कि भाई मेरे इस वाले सब्जेक्ट पे आप लॉ बना दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद की अगर बात करें तो जो रिजिड सब्जेक्ट है, कभी कभी इनमें ही हंगामा हो जाता है कि भाई ये वाला सब्जेक्ट मेरा था, तू कहाँ से आ गया बीच में, है ना। तो ये सारे कैसे कैसे हंगामे होते हैं इसको ही हम सॉल्व करेंगे, इसको ही हम सारा डिस्कस करेंगे। तो ये म्यूचुअल डेलीगेशन हो जाती है फंक्शन में कि भाई तू ये काम कर ले, मैं ये काम कर लूँ, ठीक है। तो बस ये होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अब इनकी कोऑपरेशन समझ लो कहाँ कहाँ है। मान लो इनकी कोई लड़ाई होगी तो कैसे सुलझेगी, ठीक है। लड़ाई अगर कोई भी कंप्लेंट होती है इनके किसी भी कंट्रोल ऑफ बॉर्डर के लिए, मान लो ये रिवर जा रही है ना, स्टेट बोलता है कि तेरा एरिया यहाँ तक, और स्टेट बोलता है कि मेरा एरिया यहाँ तक, सेंटर बोलता है तेरा एरिया यहाँ तक, स्टेट बोलता है मेरा एरिया यहाँ तक, तो इसको समझा इसे सुलझाएगा कौन, है ना। ये पार्लियामेंट सुलझा सकती है। कौन सुलझा सकता है? पार्लियामेंट, ना कि सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना इस चीज को, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, है ना। सुप्रीम कोर्ट की ताकत नहीं है कि इसे सुलझा दे, है ना। पार्लियामेंट इस पर कोई भी लॉ बना सकती है। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263, इंपोर्टेंट है, प्रेसिडेंट जो है 263 आर्टिकल के अंतर्गत एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या कॉमन इंटरेस्ट देखने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो फुल फेथ एंड क्रेडिट गिवन टू थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट, यानी कि आपको सेंट्रल स्टेट के जो भी एक्ट हैं, जो भी टेरिटरी हैं, उनकी पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग, सबको आपको एक इज्जत देनी है। सेंटर को स्टेट को इज्जत देनी है, स्टेट को सेंटर को इज्जत देनी है। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हो गई हो तो इसके बाद हम डिस्कस करें। पार्लियामेंट जो है किसी भी ट्रेड कॉमर्स के लिए कोई भी नई अथॉरिटी वो डेवलप कर सकती है, नई अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है। यहाँ तक चीज़ें समझ आई नहीं आई? इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया सर्विस की। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सर्विस है दो टाइप की, एक तो ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है, जिससे आप IAS वगैरह बनते हो, ठीक है, और एक आपकी स्टेट सर्विस है ना। सर्विस तो दो हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिकली पोस्ट होती हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज में ही कंजर्व रखी गई है ना। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपने रिसेंट इशू देखा हो तो वेस्ट बंगाल में देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि जो ममता बनर्जी के कोई मतलब सेक्रेटरी वगैरह थे, उनको तुरंत IAS ऑफिसर थे, उनको तुरंत बुलाया गया। सेंटर ने बोला कि दिल्ली आके मुझे रिपोर्ट करो। ममता बनर्जी ने हालांकि रिजाइन दिलवा दिया, लेकिन ये इनका कॉन्फ्लिक्शन आता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे कि आप ऑल इंडिया सर्विस को एज ए अपने पर्पज यूज कर सकते हो, स्टेट के खिलाफ यूज कर सकते हो, अगर आपकी पार्टी अलग अलग है तो। यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। इसके नेक्स्ट पेज पे चले हम, तो ये सब 1947 में हुआ। इंडियन सिविल सर्विस का नाम IAS हो गया, इंडियन पुलिस का नाम IPS हो गया, है ना। और 1966 में इंडियन फोर्स नई आई। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, नई ऑल इंडिया सर्विस कौन बना सकता है? तो नई ऑल इंडिया सर्विस जो है वो राज्यसभा के रिजोल्यूशन के पास होने के बाद बनती है। ये क्वेश्चन भी शायद UPSC में आया हुआ है, ठीक है। राज्यसभा आर्टिकल 312 में पार्लियामेंट को अथोराइज करता है कि अगर राज्यसभा कोई नया रिजोल्यूशन पास कर दे तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उस रिजोल्यूशन पे नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर अच्छा, इनका फायदा क्या है? इनका फायदा यह है कि भाई जो भी स्ट्रेटेजिकली पोस्ट हुआ, ठीक है, आपकी आर्म्ड फोर्स हो गई, ठीक है ना, आप एनश्योर कर दो यूनिफॉर्मिटी हो गई, ये ठीक है ना। फैसिलिटेड लाइसेंस, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, जॉइंट एक्शन, ये ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूँ तो देखो आपको पार्लियामेंट की एक पावर बताता हूँ। क्या पावर है पार्लियामेंट में? यह है कि जो चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, अपॉइंटेड बाई गवर्नर, अपॉइंटेड बाई गवर्नर, इस चीज को ध्यान रखने ना, लेकिन उनका हटाएगा कौन? रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट। अपॉइंट बेशक गवर्नर कर रहा हो लेकिन उनको हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट, है ना। बेशक आप अपने घर में नौकर रख लो पापा के कहे पे, लेकिन हटा दो उसे, बाबा आपके देंगे ही देंगे, ठीक है। अगर इसके बाद की बात करें, अगर दो स्टेट चाहते हैं कि भाई हमारा एक पब्लिक सर्विस कमीशन एक जैसा हो जाए, तो ऐसा हो सकता है जिसका नाम देते हैं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके चेयरमैन मेंबर को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वरना सीरियस केस में गवर्नर ही अपॉइंट करता है। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, तो अगर यूपीएससी मान लो स्टेट बोले कि भाई हमें कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ अप्रूवल चाहिए, तो वो भी प्रेसिडेंट की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कोई उन्हें नौकरी चाहिए तो वो भी यूपीएससी प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेटेड मतलब का इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि स्टेट में भी हुई है, सेंटर में भी हुई है ना। अगर आपके कोई मान लो जजेस है जैसे हाई कोर्ट का, तो वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है। हाई कोर्ट किस में? स्टेट लिस्ट में। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और उन्हें ट्रांसफर और हटा कौन सकता है? वो भी काम कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, तो पार्लियामेंट जो है वो कॉमन हाई कोर्ट, अब देखो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट तो कर सकता है जज की नियुक्ति। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? जज की नियुक्ति। अब भाई आपको कोर्ट ही नया बनाना हो दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए, तो उस काम को कौन करेगा? पार्लियामेंट, है ना। समझ आया नहीं आया? समझ लो दोबारा से। जो प्रेसिडेंट है वो आपके जज को हटा सकता है, जज को बुला सकता है, हाई कोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ स्टेट के संदर्भ में, है ना। लेकिन जो आपकी पार्लियामेंट है भैया, वो तो बना ही नया कोर्ट सकती है ना। ये चीजें आपको समझनी चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में आती हैं। इसके बाद गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बोर मत हो बिल्कुल भी, आराम ले लो यार, थोड़ा सा रेस्ट लो भाई। कितनी देर की वीडियो हो गई? 35 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, है ना। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर देखो आपको समझ आ रहा हो तो यार मुझे भी बताते रहा करो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आपने फॉर्म तो वगैरह तो भर दिए होंगे, और फॉर्म वगैरह भरते रहो, ये सारे काम करते रहो, ठीक है। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन इशू सेम अपने कभी पापा बाबा की लड़ाई देख लो, सेम वही इशू है। बाकी इसमें समझ जाओ, पार्लियामेंट का थोड़ा सा रोल है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि पार्लियामेंट जो है वो हमेशा प्रिवेल करेगी, यानी कि पार्लियामेंट की पावर हमेशा ज़्यादा होती है। एक्सेप्शन जब आता है कि जब प्रेसिडेंट कुछ कर दे, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन भी आ जाए आपको एक्सेप्शन में प्रेसिडेंट का नाम दिखे तो ठीक है, वरना आपको सीधे क्रॉस करना है, यानी कि वो ऑप्शन ठीक नहीं होगा। सेंट्रल इमरजेंसी भी लगा सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि आर्टिकल 365 में बोला गया कि स्टेट हमारे लॉज को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। इमरजेंसी आपको पता है तीन टाइप की होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक इंटरनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ये तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। तो हालांकि इनके रिलेशंस क्या क्या हैं इमरजेंसी में, इन चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यार सब्सक्राइब कर दिया करो भाई कभी कभी, है ना, बहुत कम करते हैं तुम सब्सक्राइब, मतलब ऐसा कर दो मजा सा आ जाए एक दिन में ना, कि एनपी एनालिसिस बस करते जाओ ऐसे 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 ऐसे, सब्सक्राइब वाला जो बटन दिखता है ना ऐसा घंटी सी, है ना, बाकी से आप और कुछ मत समझ लेना, उस घंटी को ना दबाते जाओ, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं आपसे, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगी हुई है, तो ये सेंटर के पास पावर होती है कि वो किसी भी मैटर पे स्टेट से बोल दे कि भाई तू ये काम कर, ठीक है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन वो सस्पेंड नहीं होती। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड नहीं होती, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ऐसे सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होती, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रेसिडेंट उससे किसी भी मनी बिल को या किसी भी फाइनेंशियल बिल को अपने पास अपनी रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकता है कि भाई ये वाला बिल तो तुम मेरे पास लेके आओ, ठीक है। अदर प्रोविजन पढ़ लेते हैं, इसके कुछ अदर प्रोविजन बचे हैं। आर्टिकल 355 क्या बोलता है? आर्टिकल 355 बोलता है सेंटर में कि हमें हर एक स्टेट को बाहरी एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाना है, ठीक है। और हमें हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो ये कंफर्म करना है कि वो पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, ठीक है। और जो गवर्नर है वो भाई अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसका दूसरा काम ये होता है कि वो पीरियडिकल रिपोर्ट भेज दे सेंटर के पास कि लॉ व्यवस्था ठीक है, यानी सारी व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। ऐसी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जिसे अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर गवर्नर कर सकता है, लेकिन हटा कौन सकता है? प्रेसिडेंट, ठीक है।
इसके बाद गाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिवाइसेस बनाई गई किस काम के लिए, जिससे कि एक सेंटर स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो, सेंटर स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो और दोनों का एक लिंक बन सके, यानी कि एक पॉलिसी जो जा सके वो एक हो सके। ठीक है, इसी संदर्भ में नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये सारी काउंसिल से बनाई गई थी। हम इस पर जो स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं वो नीति आयोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो नीति आयोग इन्होंने अभी कहीं दिया नहीं हुआ, नीति आयोग का अब हाँ नीति आयोग जो 2015 में बना था, मैं आपको बता दूं तो जो नीति आयोग की अप्रोच है वो है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम अप अप्रोच है नीति आयोग की। ठीक है, इसके बाद हम फाइनेंशियल रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल रिलेशन से पहले आपको मैटर गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट, ये कुछ नहीं है। फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो आपके आर्टिकल 268 से 293 में दिए हुए हैं, पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे टैक्स पावर कैसी कैसी है। मैं आपको आज की डेट में बता दूं, 2021 में एक नया अमेंडमेंट हुआ था कि 41% जो शेयर है टैक्स का वो तो जाएगा स्टेट को, प्लस उसकी डिफेंस के लिए, प्लस उसकी डिफेंस के लिए, उसकी डिफेंस के लिए, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो भी एरिया है, जो भी खर्चा है, वो भी 41% प्लस इंक्लूड होगा, यानी कि टोटल लगभग 42% के आसपास जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं टैक्सिंग पावर। देखो टैक्स कौन कौन लगा सकता है, पार्लियामेंट लगा सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लगा सकती है, दोनों मिलकर लगा सकते हैं, है ना। और रेसिडुअली में तो निश्चित रूप से, अगर मान लो कोई ऐसी टैक्स है जिसे वो तीनों लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट वगैरह में, तो उसे कौन लगाएगी, पार्लियामेंट। रेसिडुअली सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट ही डिस्कस करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये टैक्स किस किस आधार पे लगाए जाते हैं, कौन इन्हें कलेक्ट करता है। मैं आपको पहले बता दूं कि स्टेट कौन कौन से टैक्स लगा सकता है। 2021 के 15th फाइनेंस कमीशन ने ये इसे अमेंड करने के लिए भी बोला है, और ये 2500 की लिमिट 12000 करने के लिए भी बोली है। ठीक है, क्या होता है कि जो स्टेट है वो किसी अगर प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग, किसी भी अगर चीज पर टैक्स लगाना चाह रहा है तो पर बंदा वो 2500 रुपये टैक्स लगा सकता है। अब एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ से होती है शुरुआत चैप्टर की। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भाई सेल परचेस ऑफ गुड अदर देन न्यूज़पेपर पे भी टैक्स इम्पोज कर सकता है, यानी कि सेल अगर परचेस हो रही है गुड्स के लिए तो इम्पोज कर सकता है, लेकिन अगर वही सेल आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए हो रही है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए हो रही है, तो वो कोई भी ड्यूटी यानी कि टैक्स नहीं लगा सकता। अगर वो इंटर स्टेट ट्रेड के लिए हो रही है, इंटर स्टेट ट्रेड के लिए हो रही है, तो भी ये जो है कोई भी ड्यूटी नहीं लगा सकता, कोई भी टैक्स नहीं इम्पोज कर सकता। अगर मैं इसके बाद की बात बता दूं, अदर देन न्यूज़पेपर हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, और अगर कोई भी टैक्स जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर है, मतलब उस पर सेल पे परचेस पे पार्लियामेंट स्पेशल इंपोर्टेंस इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन, अगर कोई भी पार्लियामेंट आपके पास इस पर स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन लगा देता है तो भी आप उस पर टैक्स नहीं ले सकते। ये है स्टेट की, क्या ही बोलूँ। ठीक है, अब स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकता है टैक्स जो है वो सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं बता देता हूँ क्या कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स इम्पोज कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आप सेंटर को दे दो, ठीक है, या सेंटर को बेच दो, या फिर वो ऐसे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में जा दिया रेलवे कंपनी के में जो सेंटर के अंतर्गत है ना, तो आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। अब इसमें एक और चीज ध्यान रख लो, अब ये जो टैक्स इम्पोज कर सकती है दो चीज पे तो इम्पोज नहीं कर सकती, कौन कौन सी चीज पे इम्पोज नहीं कर सकती, एक तो अगर आप सेंटर को इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हो, एक तो आप सेंटर को इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हो या उसे प्रोवाइड करा दो, दूसरा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेंटर को मतलब रेलवे के लिए, है ना, रेलवे के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो तो वो भी एक चीज होती है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती, बाकी जो भी चीज बची सब पे स्टेट गवर्नमेंट आपका टैक्स लगा देगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया, 15th फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया है, जो एक्सेप्ट भी हो गई है रिकमेंडेशन, 41% प्लस डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग से टैक्स है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट चीज चलते हैं, है ना, अब बात कर लेते हैं। इसमें देखो एक आर्टिकल नया था जोड़ा गया था 88th अमेंडमेंट एक्ट में, 268A, ठीक है, ये सर्विस टैक्स से डील करता है, और ये सर्विस टैक्स कौन लगाता है आपको मैं बता दूं, यूनियन लिस्ट में ही सर्विस टैक्स आता है, यूनियन लिस्ट में ही सर्विस टैक्स आता है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, समझते रहिएगा। टैक्सेस लिवाइड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड, है ना, इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा,
सही चल रहा है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी टैक्स जो है आपका सेंटर ने कलेक्ट, सेंटर के द्वारा लागू किया जाना है, सेंटर के द्वारा उठाया जाना है, लेकिन उसे कलेक्ट और रिप्रेजेंट कौन करता है? स्टेट। समझ लो कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं, स्टाम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ऐसे टैक्स, या एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टॉयलेट प्रिपरेशन आपको दे देते हैं कंटेनिंग एल्कोहल, हमको पता ही नहीं होता कि इस पर टैक्स लिवाई कौन करेगा, कलेक्ट कौन करेगा। ध्यान रखना, लिवाई करेगा सेंटर, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। कौन कौन से? स्टाम्प ड्यूटीज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये चीज होगी, टॉयलेट प्रिपरेशन और मेडिसिनल। ठीक है, तो इस पर क्या करेगा, टैक्स लिवाइड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीजें समझ आ जानी चाहिए। अब 268 ए में सर्विस टैक्स हम पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सर्विस टैक्स किसके थ्रू जाएगा? सेंटर स्टेट में, सेंटर के थ्रू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 269 की, 200 यानी 269 की। 269 में क्या होता है, टैक्स जो है वो लिवाई यानी वहां और कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन दिया किसको जाता है? स्टेट के द्वारा। तो जो भी 268 के अलावा चीजें बची थी वो सब इसी में आती हैं। ठीक है, इसके बाद टैक्सेस जो है वो लिवाइड और कलेक्टेड भी सेंटर में किया जाता है, लेकिन आपस में सेंटर और स्टेट को वो बांटना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 270 में ये चीज आती है। मैं आपको बता दूं ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं, तो ऐसे जो टैक्स हैं जो 268 ए और 269 में है, ठीक है, एक्सेप्ट है ये, है ना, यानी कि है उनको तो ऐसा नहीं हो सकता, बाकी जो टैक्स बचे वो सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर टू आर्टिकल इन 271 भी पढ़ेंगे, जो भी 271 आर्टिकल में सरचार्ज और ड्यूटीज है उन पे, और एनी सेस लिवाइड फॉर कोई भी सेस है जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपको लगाया जाता है, सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज फॉर प्रस्पेक्टस ऑफ सेंटर। पार्लियामेंट जो है किसी भी टाइम सरचार्ज, टैक्सेस और ड्यूटीज को 269 270 में मेंटेन कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि स्टेट को सरचार्ज में कोई भी, सरचार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन द टैक्स, सरचार्ज का मतलब होता है आपने मान लो एक चीज पर टैक्स लगा दो, उस पर भी टैक्स पर टैक्स लगा देना, ऐसा बोलते हैं हम सरचार्ज। तो वो काम कौन कर सकता है? खाली पार्लियामेंट। ठीक है, अब समझ लो टैक्सेस लिवाइड, मैं रिविजन करूंगा अभी इसका, आपको कराऊंगा, आप चिंता मत करो, समझ जाओगे ना। टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट, भैया लिवाई भी, कलेक्ट भी और रिटेन्ड भी जो स्टेट करेगा, वो जो स्टेट के क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू होगा, एग्रीकल्चर इनकम, लैंड, बिल्डिंग और ये सारी चीज जो है, एल्कोहल वगैरह, ये सारी चीज किस में आती है? टैक्स ऑन प्रोफेशन वगैरह इसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे कैसे बढ़ता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू पहले डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स रेवेन्यू तो वो होता है जो टैक्स से आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होता है जो आपकी फीस होती है, आपकी बैंकिंग होती है, रेलवेज होती है, ब्रॉडकास्टिंग, एस्यूट एंड लैब्स, ये होते हैं सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू सेंटर के लिए। स्टेट के लिए क्या होता है? आपका इरीगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेंटर एंड, है ना, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे यार इरीगेशन पे क्या नॉन टैक्स है, एक बात तो किसान को टैक्स देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टेट का खाना पानी कैसे चलता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट का खर्चा कैसे चलता है। तो बात कर लेते हैं स्टेट की, बिसाइड द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट एंड एड्स टू स्टेट फ्रॉम द सेंट्रल, यानी कि सेंटर जो है वो अपने हिस्से में से कुछ ग्रांट एंड एड देगा हर एक स्टेट की, ये अलग अलग होती है सबके लिए, सेम नहीं होती, सेम नहीं होती, और हर एक स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल नीड के आधार पर दी जाती है। आर्टिकल नंबर 275 में स्टेचुरी ग्रांट, यानी कि आर्टिकल नंबर 275 में ये ग्रांट दे रखी है। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद ये जो दी जाती है, ये दी जाती है आपको रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंशियल कमीशन। डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है आर्टिकल 282 में, मैं आपको बता दूं आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आता है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 282 के अंतर्गत डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी जाती है, पब्लिक पर्पज के लिए दी जाती है। ठीक है, और इसमें सेंटर जो है वो कोई भी ग्रांट्स बोल सकता है कि आपको ये इस काम के लिए यूज करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा गाइस, हम बात करें तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अदर ग्रांट्स पे। अदर ग्रांट्स जो होती हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड थर्ड टाइप ग्रांट एंड एड बट ए टेम्प्रेरी पीरियड, यानी कि अदर ग्रांट में भी कुछ ग्रांट उसे मिलती रहती है, जैसा कि कुछ क्या हुआ था 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ, तो असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन लोगों के लिए, है ना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, तो इन लोगों के लिए जूट और जूट प्रोडक्ट पे कुछ अलग से दे दी गई कि भाई तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अलग से ग्रांट मिल जाएगी। फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल मैंने बता दिया,
280 आर्टिकल बता दिया, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसमें कुछ कंफ्यूज मत हुईगा। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन ही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि आप ये काम कर लो, है ना। किस किस पर रिकमेंडेशन करता है ये मैं बता देता हूँ कि आपको सेंट्रल को और स्टेट को कितना कितना हिस्सा मिलना चाहिए, सेंट्रल स्टेट को कितना कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं जिसमें ग्रांटेड एड जो है वो देनी चाहिए। ग्रांटेड एड जो जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है, है ना। इसके बाद अगर मैं आपसे बताऊं तो ऐसी इंटरेस्ट ऑफ साउंड ऑफ फाइनेंस कोई भी बाकी जो चीज़ है जो अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि भैया मुझे आप इस वाली रिपोर्ट पे फाइनेंस पे ये वाली रिपोर्ट ला के दो, तो वो फाइनेंस कमीशन दे सकता है ना। इसके बाद हम बात कर लें प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। अब आप बात देखो यार, स्टेट का आपने इतना शोषण कर लिया है ना, आप उससे बचाओगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे उसे बचाना है। अगर कोई भी ऐसा बिल लाते हो आप जो टैक्स और ड्यूटी देख रहा है जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट है ना, तो वो आप पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की ही रिकमेंडेशन से ला सकते हो। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में कब कब चाहिए, जब कोई टैक्स और ड्यूटी ऐसी है जिसमें स्टेट इंटरेस्ट हो, या कोई भी एक्सप्रेशन जो एग्रीकल्चर इनकम के संदर्भ में हो, है ना, या जो भी मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट का चेंज कर रहा हो, यानी कि जो भी स्टेट के संदर्भ में बात आ रही हो उसे प्रेसिडेंट की असेंट के बाद आप पार्लियामेंट में ला सकते हो, जब भी वो पास हो पाएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद की बात करें हम तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं। नेट प्रोसीड में आपको बता दूं दो इंपॉर्टेंट टर्म हो जाते हैं कि टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड। इसका मतलब क्या है, टैक्स और ड्यूटी होल पार्ट ऑफ नेट प्रोसीड सेंड टू एनी स्टेट, यानी कि स्टेट को दिए जा रहे हैं, या एक नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि प्रोसीड ऑफ टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। नेट प्रोसीड का मतलब ये होता है प्रोसीड ऑफ टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इस चीज को आप ध्यान कर लीजिएगा। बोलोइंग भाई, अब देखो भाई उधार लेना हमारी एक क्या बोलते हैं खून में बसा हुआ है, उधार लेंगे और उधार लेकर दिया किसने, है ना। आपने जोक सुना होगा ना, बहुत फेमस जोक है कि एक बार नरेंद्र मोदी जी जापान गए, ठीक है, तो भाई पहले हम भी सोचते थे कि फेंक दी इन्होंने, जापान गए ऊंची ऊंची के ब्लड ट्रेन लेंगे और ये और वो, हमें लगा फेंक दी छोड़ दी दोबारा से। अब जब उन्होंने दोबारा से छोड़ी तो वहां देखा है उनसे लेकर आए वो लोन, ठीक है, जितने का भी लोन था, तो उन्हें देखा है एक गीता, क्या देखा है उन्हें एक गीता, ठीक है। जब उनको एक गीता दे के आए तो अब देखो लोन था वो 50 साल का, लोन था 50 साल का, तो ना तो 50 साल बाद हमारा वाला बचे ना जापान वाला बचे। अब 50 साल बाद वो जो दे के आए कागजों के लिए वो है मिलेगी गीता, अब जब कागज खुलेंगे तो उसमें से निकलेगी गीता, है ना। अब वो गीता किसी पंडित को बुलाएगा, जापान वाला बोलेगा भाई पढ़ इसे, गीता में वो पढ़ेगा कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो गया वो तुम्हारा था ही नहीं, है ना। तो ये वाली हमारी उधारी की कंडीशन चलती है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, उधार लेकर नहीं आए थे लेकिन उधार लेकर जाएंगे, आज नगद कल उधार, है ना, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये सेम है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से, इंडिया के बाहर से कहीं से भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पर उधार ले सकता है और वो गारंटी भी दे सकता है, ठीक है। हालांकि जो उसकी लिमिट है सेंटर की लोन लेने की लिमिट जो है वो पार्लियामेंट ने फिक्स कर दी हुई है और पार्लियामेंट समय समय पे फिक्स करती रहती है, ठीक है, है ना। अभी तक ऐसा कोई लॉ बना नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट फिक्स कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट खाली इंडिया के अंदर से ही बोरो कर सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के लिए लोन दे सकती है या गारंटी भी दे सकती है ना, और जो स्टेट है वो बिना कंसेंट ऑफ सेंटर के कोई भी लोन नहीं ले सकती है। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज, अब मैं आपको बता दूं, यानी कि अब देखो सेंट्रल प्रॉपर्टी जो है स्टेट टैक्सेशन से उसे क्या क्या फायदा होने वाले। अगर मान लो कोई भी स्टेट में, एक स्टेट में सेंट्रल की प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे बिल्डिंग टैक्स और ये सब टैक्स जो होते हैं वो उस पर टैक्स नहीं लगने वाले। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, और जो प्रॉपर्टी और इनकम है स्टेट की वो भी सेंट्रल टैक्स नहीं लगता है उस पर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर पार्लियामेंट प्रोवाइड करे, पार्लियामेंट बोले कि भाई ये जो फंक्शन है ये टैक्सेबल होगा, तो पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के रूल पे टैक्स लगा सकती है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। और लोकल अथॉरिटीज, एक और चीज़ समझ लो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो पेपर में आता है कि प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज सिचुएटेड विद द स्टेट आर नॉट एग्जेम्प्टेड, यानी जैसे आपकी नगर पालिका है, म्युनिसिपल पंचायत है, ये सारी जो होती हैं इन पे आप सेंट्रल टैक्सेशन से बच नहीं सकते, सेंट्रल से, स्टेट से एक बार को बच सकते हो, है ना,
लेकिन आप सेंटर से नहीं बच सकते, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। और अगर इसके बाद की हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, मैं आपको बता देता हूँ इमरजेंसी के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। नेशनल इमरजेंसी लगती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होती, लेकिन वो पूरी पूरी पावर पार्लियामेंट के हाथ में चली जाती है, कोई लॉ बना सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट कोई भी बिल को अपने पास रखने के लिए बोल सकता है, हो सकता है कि वो रिजर्व मनी बिल कर ले, फाइनेंशियल बिल कर ले, है ना। ट्रेंड्स क्या क्या चल रहा है, ट्रेंड्स ये चल रहा है कि कुछ भी लफड़ा हो उन दोनों को फंसा दो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आर्क रिपोर्ट ने सबसे पहले क्या क्या बोला था, आर्क रिपोर्ट ने बोला था इंटर स्टेट काउंसिल, अगर पेपर में आ जाएगी कि किसने बनाई तो आपको बोलना है ये आर्क रिपोर्ट की रिपोर्ट है। सबसे पहले उसने बोला कि 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन पार्टीसन एटीट्यूड एज गवर्नर, गवर्नर के बारे में फर्स्ट राय इन्होंने दी थी। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, डेलीगेशन ऑफ पावर टू मैक्सिमम टू द स्टेट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट के पास पावर पहुंचाओ, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज पहुंचे स्टेट के पास, है ना। लेकिन साहब कुछ काम नहीं हुआ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रही। उसके बाद देखो सबसे पहले आई थी आर्क रिपोर्ट, कौन सी आई, आर्क रिपोर्ट। उसके बाद आई राज मन्नार कमेटी रिपोर्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने लिए बनवाई थी, और इस रिपोर्ट ने भी फिर अपनी रिपोर्ट दी। इसने क्या बोला, इसने तो यही बोल दिया कि भैया मेरे कुछ प्रोविजन चेंज कर दो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होना चाहिए, वन पार्टी रूल है ये तो, है ना, ये सारी चीजें इसने बोल दी, ठीक है। और अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो जैसे फाइनेंस कमीशन परमानेंट बॉडी हो, ये ध्यान रख लेना, फाइनेंस कमीशन परमानेंट बॉडी हो, प्लानिंग कमीशन हटाया जाए एकदम, या स्टेचुरी बॉडी बनाई जाए, है ना। और ये जो 356 357 है सबसे कम लगने चाहिए, ये सारी चीज़ें। ऑल इंडिया सर्विस जो है वो एबोलिश करे, ये किसने दिया था, राज मन्नार कमेटी ने, है ना। लेकिन तो राज मन्नार कमेटी के बाद फिर आता है सरकारिया कमीशन। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में क्या है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में भी सेम चीज़ है, अकाली दल ने एक रिजोल्यूशन पास किया, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना सेंट्रल स्टेट रिलेशन का ही रिजोल्यूशन है। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में भी सेम चीज है, वेस्ट बंगाल में भी ऐसी ही कुछ हरकतें हुई थी जिसके बाद मेमोरेंडम लाया गया गवर्नर सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के साथ। अब भी वेस्ट बंगाल में तो अब भी चल रहा है, वेस्ट बंगाल में तो अब भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है ना। इसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। इसमें मैं आपको डिमांड बता देता हूँ वेस्ट बंगाल की, आप नहीं तो बाद में मुझे मारोगे कि भाई जो यूनियन वर्ड है उसे फेडरल वर्ड से चेंज करो, किसने बोला, वेस्ट बंगाल ने, है ना। इसके बाद 356 357 360 जो है उन्हें हटाई दो जिंदगी से, है ना। उसके बाद बोला कि टोटल रेवेन्यू जो है 75% स्टेट के पास आना चाहिए, सारी इसकी वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम की डिमांड थी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकारिया कमीशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि 1983 में ये बना और RS सरकारिया ने ये बनाया, रिटायर्ड जज थे, इन्होंने भी कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी, बहुत लंबी चौड़ी, 4 साल इनका टाइम बढ़ाया गया। और जब इन्होंने रिकमेंडेशन दी तो इन्होंने बोला कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज मत कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज मत कर देना, हालांकि कुछ इशू हैं उनको सॉल्व करो, बैठ के बात करो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इशू हैं उनको देख लो आप, ठीक है। 247 रिकमेंडेशन है इम्प्रूव करने के लिए, रिकमेंडेशन वही इंटर स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल, है ना, प्रेसिडेंट रूल बहुत कम यूज करो, ऑल इंडिया सर्विस को स्ट्रेंथन करो, ठीक है, और नई सर्विस बनाओ, है ना। रेसिडुअली पावर जो है वो टैक्स की पार्लियामेंट के पास रहनी चाहिए, बाकी जो पावर है उन्हें आप कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में दी हुई है ना। सेंटर के पास इसकी आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉय पावर है, लेकिन विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट, जैसा कि आपने वो अफसा वाला केस सुना होगा अभी, उसमें भी यही सीन है ना। तो इसके बाद सेंटर जो किसी भी अगर लॉ पे ऐसा कंकरेंट लिस्ट पे कोई लॉ बना रहा है तो भाई पहले स्टेट से सबसे पूछे, लेकिन दिक्कत क्या होने वाली है कि कुछ उसके पक्ष में होंगे, कुछ उसके विपक्ष में होना कुछ नहीं है फिर, है ना। गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता जब तक ये मेजोरिटी असेंबली में होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझने वाली हैं, बाकी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शुड नॉट बी डिवाइड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि सरचार्ज जो है किस कौन लेता है, सेंटर लेता है, तो बोलते हैं सेंटर को सरचार्ज नहीं लेना चाहिए। और नो चेंज इन राज्यसभा सेंट्रल पावर ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉग्नाइज रिऑर्गेनाइज स्टेट, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है पंछी कमीशन, पंछी कमीशन जो देखो वो आया था सरकारी कमीशन 1980 में, रिपोर्ट दी 1988 में, पंछी कमीशन आया 2007 में, ध्यान रखना। लगभग लगभग पंछी कमीशन की भी सेम डिमांड है, मदन मोहन पंछी इसके वो थे चेयरमैन, इनका काम था कि अब तक 20 साल में जो भी हुआ है भाई तू उसे देख ले कि क्या क्या हुआ है ना, सही हुआ गलत हुआ, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी आ गए, तो उस टाइम तो उन्होंने उसका डाटा स्पेशली दिया है, और ये डाटा फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है इतना, कि बस ये दिया है कि
इन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंट प्लानिंग हो, बजटिंग हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ये सारा काम, यानी कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्पेशली अगर मैं बोलूँ विलेज लेवल पे बहुत जोर दिया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आप अगर आप देख लोगे, PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के एनपी एनालिसिस पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने वो भी चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये पंछी कमीशन की बहुत सारी रिकमेंडेशन थी जो इतनी काम की नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से सेंटर स्टेट रिलेशन हम क्लियर कर चुके हैं, बहुत डीप में क्लियर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इंटर स्टेट रिलेशन डिस्कस कर ही लो यार, है ही क्या इसमें। देखता हूँ मैं 1 मिनट को, इंटर स्टेट रिलेशन है कितना बड़ा। चलो 1 घंटे की वीडियो कर लेते हैं है ना, इंटर स्टेट रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं अभी 1 मिनट को। इंटर स्टेट रिलेशन में ये तो जो हमने लड़ाई पढ़ी है, पढ़ी हमने सेंटर स्टेट की लड़ाई, अब हम पढ़ेंगे स्टेट स्टेट की लड़ाई, है ना। स्टेट स्टेट की लड़ाई कैसे सॉल्व होती है उस चीज़ को देखेंगे अब हम। अगर हम बात करें स्टेट स्टेट की लड़ाई किस बात पर हो सकती है, उनकी बाटर डिस्प्यूट हो सकते हैं, है ना, उनकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकते हैं, ठीक है, उनका फ्रीडम ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट हो सकता है, तो ये सारे डिस्प्यूट उनके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाटर डिस्प्यूट कर लेते हैं। आर्टिकल 262 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप इंटर स्टेट बाटर डिस्प्यूट काउंसिल बना लोगे, ठीक है, आर्टिकल 262 में, है ना। पार्लियामेंट जो है वो कोई भी एडजुडिकेशन कर सकता है किसी भी यूज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रोल के लिए, कोई भी इंटर स्टेट रिवर रिवर वैली के लिए, ठीक है। और पार्लियामेंट ये भी बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस मामले में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, है ना। पार्लियामेंट ने यहाँ तक कि 2 लॉ पास भी किए हैं अब तक, जिसका नाम है द रिवर बोर्ड एक्ट 1956, द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट जितना होगा मैं आपको बताता चलूंगा, आप चिंता मत करना, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला कि आपको जो समझ ना आए। सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होता, इस चीज को ध्यान रख लेना इसमें, ठीक है। अगर वो कोई भी केस उस ट्रिब्यूनल में चला गया, यानी कि इनकी ट्रिब्यूनल होती है उसमें भी चला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की बात गई, है ना। अगर इसके बाद की बात करें तो अब तक 8 इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो चुके हैं, ये 8 बन चुके हैं, ठीक है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल बनती ही बनती है, और इस काउंसिल का जो काम होता है, अच्छा, और इस काउंसिल का जो काम होता है वो यही काम होता है कि भाई वो डिस्प्यूट जो है उनको देखे, सुने, समझे, इन्वेस्टिगेट करे, डिस्कस करे, और उसके बाद उन पर रिकमेंडेशन दे। हालांकि इसका कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जिससे सजा दे दे, ठीक है। ये बस आप ये समझ लो, आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के एक जैसे सुप्रीम कोर्ट का जैसा है ना। और इसके बाद की हम बात करें तो फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इंटर स्टेट काउंसिल, कौन कौन सी इंटर स्टेट काउंसिल बनी है। सरकारिया कमीशन ने भी बोला था इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, फिर बनाई भी गई। 1990 में पहली इंटर स्टेट काउंसिल बनी, 1990 में पहली इंटर स्टेट काउंसिल बनी, और उस इंटर स्टेट काउंसिल को हम देख लेते हैं। उस इंटर स्टेट काउंसिल में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट के, चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज के, एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नर, गवर्नर सारे स्टेट के जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा है, 6 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, कांग्रेस इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, ये था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद की बात करो तो स्टेट सेंटर के कॉमन इंटरेस्ट को देखती है, पॉलिसी एक्शन को देखती है, सारी चीजें इंटर स्टेट काउंसिल करती है, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो फिर इसमें जो पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो आती है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्रेशन पब्लिक एक्ट इंक्लूड बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक एक्ट का मतलब होता है जो भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट हैं, एक्ट हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। और फाइनल जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर इन इंडिया विदाउट नेसेसरी ऑफ सूट अपॉन जजमेंट, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 301 से 307 तक। आर्टिकल 301 क्या बोलता है कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्स जो भी होंगे इंडिया के वो फ्री होंगे, पूरी इंडिया की टेरिटरी में फ्री होंगे, ठीक है। यानी कि हम बॉर्डर ऐसा नहीं होगा कि ये इसका बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है ना। और लेकिन अगर हम आर्टिकल 301 से आगे चले तो कुछ फ्रीडम है रिस्ट्रिक्शंस के लिए, एक्सेप्ट कौन कौन से मतलब रेस्ट्रिक्शन है वो समझ लीजिएगा। पार्लियामेंट आपको इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है विद इन ए स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उसे लग रहा है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट में खतरा है तो वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है कि एक्सपोर्ट मत करो, इम्पोर्ट मत करो, टैरिफ ड्यूटी कम करो, है ना।
और इस हिसाब से लेजिस्लेचर भी आपके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, सेम वही पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन इम्पोज ऑन गुड इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एनी टैक्स टू बी सिमिलर गुड मैन्युफैक्चर्ड। सेम ऐसा टैक्स जो अपने यहाँ भी बनता है, ऐसा ही बाहर से सामान आता है तो उस पर भी टैक्स लगा सकती है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि अगर कोई भी नेशनलिज्म लॉ है उसे फॉलो करने के लिए मोनोपोलिस के सेंटर स्टेट के लिए पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर को बोल सकती है कि भाई तू ये काम कर, ये वाली बिजनेस कर, ऐसे सिटीजन्स को समझा, ये कर वो कर, ये पार्लियामेंट की सारी पावर होती है। इसके बाद हम जोनल काउंसिल पढ़ लेते हैं। 5 जोनल काउंसिल हैं। जोनल काउंसिल की बात करूँ तो जैसे इसमें है नॉर्थन, सेंट्रल में अपना यूपी ये बिहार वगैरह आते हैं, नॉर्थन में जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश वगैरह सब, पंजाब, ईस्टर्न में उड़ीसा और ये झारखंड वगैरह सब, वेस्टर्न में नॉर्थन राजस्थान गुजरात ये सब, और साउथर्न में आपका केरला तमिलनाडु और ये सब बन गए। ये आपके आपके जोनल काउंसिल में काम क्या होता है इनका कि भाई अगर उस एरिया से कोई भी रिलेटेड इशू है तो उसे ये सॉल्व कर देते हैं। ये देख लीजिए आप, इमोशनल इंटीग्रेशन, ग्रोथ ऑफ स्टेट कंसियसनेस, रीजनलिज्म ना बढ़े स्टेट में, है ना, और सेपरेशन इन सम केसेस सो दैट प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक एडवांसमेंट स्टेट्स को मिलता रहे। ये सारे काम कौन करता है? यही करती है काउंसिल्स, जोनल काउंसिल्स करती है ना। तो ये जोनल काउंसिल दे रखी है। मेरे हिसाब से यहाँ तक अभी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इमरजेंसी प्रोविजन कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इससे पहले गैज, अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैज प्लीज KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक वीडियो को क्या सब्सक्राइब करोगे, चैनल को ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चलते हैं, टाटा बाय बाय। कल की इमरजेंसी प्रोविजन की क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत अच्छे, टाटा।